प्रेम जो होता है ना, उस प्रेम में जो ये कहे कि सावधानी रखना बड़ा जरूरी है, वो तो प्रेम के लायक ही नहीं है। सती जो है संशय से भर गई, जो सत्संग का श्रवण नहीं करेगा वो संशय से भर जाएगा, उसे हर बात में संशय होगा, अध्यात्म में भी संशय से भरेगा, लौकिक रूप से संबंधों में भी संशय से भरेगा। भाई जहां भीतर संशय भरे हैं तो वो जहां जाएगा वहीं प्रयोग करेगा, बुद्धि काम करेगी, संशय करेगा। लेकिन जो सत्संग करेगा, जो कथा का श्रवण करेगा, वो संशय से नहीं, वो श्रद्धा से भर जाएगा, भाव से भर जाएगा। और संशय दुख देता है, पति को पत्नी में संशय हो जाए तो 24 घंटा कलेश होगा कि नहीं होगा, अथवा पत्नी को पति में संशय हो जाए, यदि बाकी मोबाइल की हाथ लग जाए, बाकी जो हथौटी है, यानी कैसे कैसे लॉक चल गए हैं। एक बालक ने लॉक लगा रखा था अपना, तो मैंने उसके मोबाइल को ऐसे लॉक खोलने की कोशिश करी तो बांधते वो मोबाइल खुद मूड हिला रहा, बोले तुम नहीं हो, बोला मेरा मालिक तो कोई बातें कहा कहता है, फेस लॉक है ना, अजीब आदमी है, जी भी जानता मोबाइल कि मेरा मालिक कोई और है। लेकिन हम इंसान भूल गए हैं कि हमें अपना लॉक केवल परमात्मा के लिए खोलना चाहिए, हमारा मालिक। और हमने तो जन कितने मालिक बना रहा है कि अपने चाय जाके लिए खुला दिल है, आओ हैं, रास्ता एकदम खुले दरवाजे कर दिया साहब। एक जड़ चीज जानती है कि मेरा मालिक कौन है, रास्ता केवल उसी के लिए है अंदर आने के लिए, बाकी दुनिया के लिए नो एंट्री है। और हम मनुष्य होकर के, जीव होकर के, बुद्धिमान होकर के हैं, हमने चाहे जो घुसाता रास्ते से, फिर बाद में भी हो तुम्हारे दिल से खेल खाल करके फिर वो चला जाता है, तो फिर कहते हैं दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। अरे तेन घुसन का ही दे भैया, ऐसे लोग तेन पूरे लॉक तोड़ रखे हैं, बने जहां लॉक लगाना चाहिए वहां हम लोग लॉक लगाना भूल गए हैं, है ना। संशय से भर गई पार्वती वो सती, तो जो कथा का श्रवण नहीं करेगा, संत की वाणी का श्रवण नहीं करेगा, वो संशयों से भरेगा ही। और जो कथा का श्रवण करेगा, संतों की वाणी का श्रवण करेगा, वो श्रद्धा से भरेगा।